ये सच है कि चीन एक प्रोपोगंडा वॉर खेलता है, प्रोपोगंडा वॉर खेलता है अपने अपने मीडिया के जरिए, दूसरे देशों के मीडिया को अपने देश में खरीद कर ये प्रोपोगंडा वॉर वो खेलता है, कहीं उसका हिस्सा नहीं। संबित जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अंजना जी, हमारे कई मीडिया हाउसेज हैं जिसमें कंपनी चाइनीज कंपनीज का हिस्सा है, कई मीडिया हाउसेज हैं जहां चीन की कंपनियां पूरा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, कई मीडिया हाउसेज हैं जहां मंथली बंधा हुआ है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। लेकिन जो संबित जी कह रहे हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और नेताओं को खरीदते हैं, ये भी बिल्कुल सही। मैं बताता हूं कुछ तो है दबाव, कहीं ना कहीं कोई दबाव तो होगा ही होगा कि दलाई लामा का एक बहुत बड़ा इवेंट 31 मार्च 2018 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होना था, चीन का दबाव आया, मोदी जी ने कैंसिल करवा दिया। आईडीएसए का एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी थी 2018 में, चीन का दबाव आया, मोदी जी ने कैंसिल कर दिया। चीन जो थी, हम लोगों ने चीन को नेशन ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा हुआ था, मोदी जी पर दबाव आया, उस नेशन ऑफ कंसर्न की लिस्ट से हटा दिया। चीन से जो हमारा ट्रेड था, मोदी जी पर दबाव आया, उसको डबल कर दिया। जितना हमारा आज रक्षा बजट है, मोदी जी पर पता नहीं क्या दबाव आया, उतना अब चीन और हिंदुस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, फर्क है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो हो गया। हम भी जानना चाहते हैं क्या दबाव है मोदी जी पर, यही तो प्रश्न हम बार बार पूछ रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, मैं मानता हूं जब वो चीन ने उनको रिकग्निशन दी, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वेस्ट अमेरिका इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो चीन ने उनकी तरफ बहुत ध्यान दिया, बार बार चीन जाते थे, बार बार चीन के मंत्रियों को बुलाते थे, कभी किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करा के समझौते करारनामे करा देते थे, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग गुजरात के हमारे विद्यार्थियों को चीन दे रहा है। अरे साहब क्यों चीन दे रहा है, हमारे झारखंड के आदिवासी इससे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी का चीनी प्रेम तो हमें समझ में नहीं, आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन वो खैर इतिहास कभी ना कभी वो पढ़ने को। लेकिन पवन जी जरा इसको फुल स्क्रीन दिखाइए, ये जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं, एक सेकंड संबित जी आप जवाब दीजिएगा। निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी प्रस्ताव रखा गया है, कोई भी प्रोडक्ट किस देश में बना है ये बताना होगा, ताकि कोई भी भारतीय अगर वो चीन में बना हुआ सामान नहीं खरीदना चाहता है तो वो ना खरीदे। निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी ये प्रस्ताव रखा गया है, क्या आपको नहीं लगता ये एक महत्वपूर्ण कदम? एक छोटा सा पवन जी से पहले जवाब ले लूं, ये पहली बार इस तरह से किया जा रहा है। अगर ये आप इतना सरेंडर और इतना अपीज नहीं करते जितना आपने चीन को किया, तो ना डोकलाम होता, ना चुमार होता, और ना अब जो गलवान वैली में हुआ। ठीक है, संबित जी जवाब। संबित अंजना जी, पहले मुझे एक ऑब्जेक्शन करना है, और मुझे लगता है हो सकता है मुझसे सुनने में गलती हुई हो, तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा क्योंकि साउंड थोड़ा सा डिफेक्टिव है। क्या ये सच है कि अभी पवन खेड़ा जी ने कहा कि इससे अच्छा तो ट्रेनिंग झारखंड के आदिवासी दे सकते हैं? हो सकता है कि मेरे से सुनने में गलती हुई हो, ऐसा कहा था क्या पवन जी? झारखंड के आदिवासियों की जो स्पोर्ट्समैन है वहां, आपको शायद नहीं जानकारी। चलिए अब क्योंकि जहां चुनाव हार जाते हैं। ठीक है अब मैं जवाब देता हूं। झारखंड के आदिवासी, अब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी अब मैं जवाब दे दूं, चीन भूल जाएंगे आप। ठीक है अंजना जी, एक सेकंड, चलिए ठीक है अंजना जी मुझे इस शब्द पे बहुत बड़ी आपत्ति है कि चीन कोई भी किसी को ट्रेनिंग दे, उससे अच्छी तो झारखंड के आदिवासी दे देते। ये एक रेसिस्ट स्टेटमेंट है, ये आदिवासियों के प्रति एक आपको चीनियों से इतना प्रेम है कि मैं चीन के खिलाफ बोलूं आपको आपत्ति है? मैं आपके, अरे मैं चीन के खिलाफ बोलूं तो आपको आपत्ति है? इतना प्रेम जवाब दूंगा मगर ये शब्द आपको पीछे लेना होगा। झारखंड के आदिवासी भी इससे अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं आराम से अंजना जी प्लीज मैं बोल लूं, इतना प्रेम मैं प्लीज बोल लूं आप बिल्कुल। अंजना जी चीन के प्रति प्रेम में इतना अंधा मत हो जाए। एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड अंजना जी, पवन जी आप चुनाव हार जाते हैं झारखंड में तो उनको उनके खिलाफ हो जाते पवन जी और चीन के साथ। पवन जी फिर मुझे मजबूरन आवाज नीचे करनी होगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज बारी बारी से बोलिए प्लीज सर। आपने कुछ बोला उस पर वो रिएक्ट करें, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, दो ही लोग हैं। सब जी बात पूरी कीजिए।
नहीं अंजना जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैनल है, इसका बहुत बड़ा रीच है, इसलिए शब्दों का चयन, और खास करके जब कहा जाए कि इससे अच्छा तो, क्योंकि झारखंड के आदिवासी का अर्थ होता है, इससे अच्छा तो शेड्यूल ट्राइब लोग दे देते आपको ट्रेनिंग, ये कहीं ना कहीं एक बहुत रेसिस्ट स्टेटमेंट है, जातिवादी स्टेटमेंट है। हम लोगों को बचना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को झारखंड के आदिवासियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक एक जाति रही भावना से वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर मैं मूल पे आ रहा हूँ, मैं मूल पे आ रहा हूँ, मुझे मूल विषय पे जवाब देने दीजिए। मैंने आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया, झारखंड के लोग देख रहे हैं, वो डिसाइड कर लेंगे। अंजना जी प्लीज, अंजना जी ये क्या हो रहा है? बोलिए संबित। अंजना जी पहली बात तो है, इन्होंने इन्होंने कहा कि पवन जी प्लीज रुक जाइए, पवन जी रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आ रही हूँ पवन जी, पूरा करेंगे, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, प्लीज बारी बारी से, प्लीज प्लीज मैं आऊंगी पवन जी, आऊंगी संबित जी, पूरी कीजिए बात। चीन चीन को लेकर मोदी जी जरा सॉफ्ट थे, ऐसा इन्होंने अभी आक्षेप लगाया। अंजना जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज से लगभग 10-12 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी तो कोई छोटा छोटे नेता नहीं है, प्रवक्ता तो नहीं है, वो तो खुद एलओपी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक ट्वीट किया था ताइवान को लेकर, और चीन पर मोदी जी कड़ी कार्यवाही करे, भारतवर्ष कड़ी कार्यवाही करे, इसको ट्वीट किया था। उसके 3 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, आनंद शर्मा जी को सामने आकर कहना पड़ा कि हमने इस ट्वीट को पुल डाउन करने के लिए कहा है, और अधीर रंजन चौधरी जी का यह स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। हमारे रिलेशन चीन के साथ बड़े ही स्ट्रेटेजिक और बड़े अच्छे हैं, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग चीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये सब 2008 के एमओयू, जो मां बेटे का एमओयू हुआ था, उसका नतीजा है कि ये जो सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने तो चीन को नेशन ऑफ कंसर्न में रखा हुआ था। भाई साहब कितना नेशन ऑफ कंसर्न में रखा हुआ था वो सब हम देख रहे हैं, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं कर पाते थे, डीएसडीबी और रोड, जिसको लेकर आज तक में आप सुबह 8 बजे टीवी ऑन करेंगे तो कोई ना कोई नक्शे के साथ बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा होगा कि 323, मुझे भी अब याद हो गया है कि 323 किलोमीटर का वो रोड है, जबकि मैं इन विषयों का एक्सपर्ट नहीं हूं। इतनी बार आज तक ने दिखाया है कि 323 किलोमीटर का ये रोड, डीएसडीबीए रोड, वो ब्रिज, इन सारे विषयों में आप लोगों ने समझाया, ये पहले नहीं था, 70 वर्ष में पहली बार बना है। यही मैं कह रहा हूं, ये नरम नहीं, ये वो गर्म नीति है जिसको लेकर चीन तड़पता है, जिसको लेकर चीन आज परेशान है, और इसीलिए बिल्डअप करने की कोशिश कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।